आजादी के बाद का प्रेमचंद किस आंचलिक साहित्यकार को कहा जाता है? तो प्रश्न अपना है, आजादी के बाद का प्रेमचंद किस आंचलिक साहित्यकार को कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर है फणीश्वरनाथ रेणु को। फणीश्वरनाथ रेणु को आजादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सरहपा की रचना दोहा कोश का संपादन किसके द्वारा किया गया? सरहपा की रचना थी दोहा कोश और उसका संपादन किसके द्वारा किया गया? राउल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया। सांकृत्यायन के द्वारा सरहपा की रचना दोहा कोश का संपादन किया गया। अगला प्रश्न है, जैन चरित काव्य मुख्य रूप से किस छंद में लिखे गए हैं? दोहा चौपाई छंद में लिखे गए हैं। जैन चरित काव्य मुख्य रूप से दोहा चौपाई छंद में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा का व्यास किसको कहा जाता है? पुष्प दंत को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का व्यास पुष्प दंत को कहा जाता है। चलिए, आदिकाल के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बारहमासा वर्णन किया है? आदिकाल के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बारहमासा वर्णन किया गया है? तो यह है बिसलदेव रासों में। बिसलदेव रासों में सबसे पहले बारहमासा का वर्णन किया गया है। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना किसने की? कुमारपाल प्रतिबोध की रचना सोम प्रभ सूरी ने की थी। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना सोम प्रभ सूरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य का वर्णन किसने किया है? अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य का वर्णन किसने किया है? तो ये पुष्प दंत ने किया था अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य का वर्णन। नेक्स्ट है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र नाम था काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजशेखर ने काव्य शास्त्र के लिए कौन सा नाम प्रयोग लिया? राजशेखर ने काव्य शास्त्र के लिए कौन सा नाम प्रयोग लिया था? तो उत्तर है साहित्य विधा। साहित्य विधा नाम लिया था राजशेखर ने काव्य शास्त्र के लिए, साहित्य विधा नाम लिया था।